बेसा घोगली रोड पर स्थित वैद्य इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में बुधवार की शाम भयानक आग लग गई आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभालने का मौका नहीं मिला शुरुआत में तो पांच ही दमकल वाहन राहत कार्य के लिए बुलाए गए थे लेकिन आग का भयानक रूप देखकर विविध फायर स्टेशनों से करीब बीस वाहन बुलाए गए परिसर में ज्वलनशील पदार्थ रखे होने के कारण आग फैलती ही जा रही थी देर रात तक दमकल विभाग अथक परिश्रम के बाद आग पर काबू पा लिया गया वह दे इंडस्ट्रीज में फर्नीचर और सैनिटरी नैपकिन बनाने का बड़ा यूनिट है शाम बजे के दौरान फैक्ट्री में आग लग आग लग गई इतनी तेजी से फैली कि सभी कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल गए घटना की जानकारी दमकल दंक, विभाग को दी गई एन के मुख्य अग्निशमन अधिकारी गणेश खरटमल तीन दमकल वाहनों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे वहीं महानगर पालिका से भी मदद मांगी गई सीएफओ एफ ओ चंदनखेड़े सहित नरेंद्र नगर और फायर स्टेशन के अधिकारी भी दो वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए लेकिन आग तेजी से फैलती जा रही थी आसपास के प्रतिष्ठानों को नुकसान हो इसलिए चारों तरफ से पानी की मार की गई लेकिन हालात ऐसे थे कि आग बुझाए नहीं बुझ रही थी उल्टा आग के लपटे बढ़ती जा रही थी इसलिए सिटी फायर स्टेशनों से पंद्रह वाहन और बुलाए गए पूरे परिसर को घेरा गया कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट